जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चिनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चिनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी जिस पे बहुत बवाल मचा हुआ है, बेहिसाब बवाल मचा हुआ है, परंतु बहुत से भाई बोल रहे थे कि टेरिटोरियल आर्मी बंद हो गई है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ कि टेरिटोरियल आर्मी कैसे बंद हो गई है, आप लोग बताइए हमें। टेरिटोरियल आर्मी बंद नहीं हुई है, इस वीडियो में टोटल डिटेल दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भर्ती मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरीके की भर्ती है। दोस्तों, अब भर्ती आती है टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स की भर्ती। जो भाई बोल रहे थे कि भाई टेरिटोरियल आर्मी बंद हो गई है, तो ये भर्ती कहाँ से आ गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरे प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑफिसर्स की भर्ती आ गई है, ये दोस्तों एक्स सर्विस मैन की नहीं है, ये भर्ती है केवल सिविलियन की। सिविलियन मतलब आप भी कोई भी भर सकता है, जो इसके ग्रेजुएशन किया हुआ है, या मतलब जो इसके काबिल है, जिसमें काबिलियत है, वो कोई भी भर सकता है। 18 से 42 साल उम्र है और 18 वैकेंसी इसमें मेल में है और एक वैकेंसी फीमेल में है। तो दोस्तों, पहले सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको, ये है ऑफिसर्स की भर्ती, जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी एंड ऑफिसर्स, 18 पोस्ट है। और दोस्तों, इसका जो है, इसकी एज लिमिट जो है, वो एज लिमिट 18 से 42, और इसके फॉर्म, अभी एक सेकंड बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसके फॉर्म 23 अक्टूबर से चालू हो जाएंगे भरने और 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी। इसमें पहले, अब एक बात आती है कि बहुत भाई बोल रहे हैं कि मतलब बता रहे थे कि टीए में बदलाव होंगे। हाँ, टीए में बदलाव हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जनरल ड्यूटी यानी जीडी में बदलाव हो सकते हैं, परंतु इसमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं है। कैसा भी बदलाव नहीं देखने को मिला, जैसे ऑफिसर्स भर्ती आती थी ऐसे ही ऑफिसर्स भर्ती अब की बार आई है, यानी कि पहले रिटिन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। तो दोस्तों, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से भाइयों ने बोला कि टेरिटोरियल आर्मी बंद हो गई है, जब बंद हो गई है तो ये भर्तियाँ कहाँ से आ रही हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर अंदर कुछ ही समय बाद आपको जनरल ड्यूटी यानी जीडी टेरिटोरियल आर्मी सिपाही का आपको देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन, या आपको किसी अखबार की कटिंग के माध्यम से या किसी भी तरीके से आने वाले समय में भर्ती आएगी ज़रूर। ये मैं पहले से भी कहता रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ, परंतु आप लोगों को थोड़ा संघर्ष भी करना होगा, संघर्ष में लगना होगा, साथ जुड़ना होगा। अगर भर्ती नहीं आती है तो आप लोगों को सहयोग करना होगा हमारा भी, और अपने टारगेट आपको देखने होंगे। दोस्तों एक चीज़ और है इसमें, इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है, वो डेट है एग्ज़ाम की डेट, इसमें एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पूरी डिटेल्स इसका, जो मैं बता दूँ आपको, मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी चीज़ इसकी डिटेल्स पढ़ लीजिए। और रही जीडी की बात, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उन भाइयों के पास पहुँच जाए ये वीडियो जिनको कुछ भी नहीं पता है, और जिनको पता है उनके लिए वीडियो नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।